क्या शराब दुकानों में हो सकेगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? यह आफत को बुला रही है सरकार। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर 24 मार्च से लंबे लॉकडाउन के बाद सोमवार से शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने का बड़ा असर देखने को मिला। करीब 40 दिन बाद खुलने वाली दुकानों पर लोग काफी पहले ही पहुंच गए। मध्य प्रदेश के अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी शराब की दुकानें खुलने से पहले ही उनके बाहर काफी लंबी लाइनें लग गईं। इस दौरान कई जगह पर तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। लोग बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें खरीद रहे हैं। माना जा रहा है कि यह सभी लोग स्टॉक करने की योजना में लगे हैं। ऐसे में जब कल से मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें चालू होंगी तो क्या शिवराज सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएगी या अन्य प्रदेशों जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? कोरोना संकट काल के चलते देश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 लागू कर दिया। बढ़ाया गया लॉकडाउन 14 दिनों यानी 17 मई तक के लिए होगा, लेकिन इस दौरान अभी तक बंद पड़े मदिरा आलियों के ताले खुलवाकर शराब बिक्री को हरी झंडी दिखाना कहां तक सही है? वहीं पूर्व वन मंत्री गंधवानी विधायक का सोशल मीडिया पर एक वीडियो पहले ही इस बात को लेकर वायरल हो रहा है, जिसमें गंधवानी विधायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि वारे शिवराज सरकार कोरोना की मुश्किल घड़ी में बीजेपी सरकार शराब की दुकानें चालू करा रही है। मुख्यमंत्री मजदूरों के पेट की चिंता करने की बजाय सरकारी खजाना भरने में लगे हैं। वहरे नर्मदा पुत्र, टूट पड़ेंगे लोग। वहीं लगभग 1.5 महीने की शराबबंदी के बाद मध्य प्रदेश सरकार 5 मई से शराब दुकानों को खोलने के निर्देश सरकार ने कुछ नियम शर्तों के तहत दे दिए हैं, जिसके विरोध में सोशल मीडिया में लोग सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि स्कूल कॉलेज बंद और शराब गुटखा सिगरेट की दुकानें चालू कर दी गईं। इससे अभी तक जो लोग लॉकडाउन का पालन करते घर पर ही पड़े थे वे टुन्न होकर सड़क पर निकल पड़ेंगे। सरकार ने प्रदेश के ग्रीन ऑरेंज जोन तो ठीक, रेड जोन के ग्रामीण एरिया में भी दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन की होगी मुसीबत। वैसे भी जब से कोरोना संकट काल शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने रात दिन एक करके कुछ सख्ती दिखाकर तो कुछ प्रेम से बात करके लोगों को लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में काफी हद तक सफलता पा ली थी। लेकिन जो लोग बिना पिए ही लॉकडाउन तोड़ते थे अब वे टुन्न होकर क्या क्या ना करेंगे, किस तरह की हरकत करेंगे, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। यदि आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश में प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो वहीं कोरोना में कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसे में शराब के ठेके खोलने का निर्णय कहां तक सही है, यह तो सोचने का विषय है। एनटीवी टाइम के लिए श्याम मंगल की रिपोर्ट। जी हाँ, पूरी दुनिया बहुत बड़ी महामारी के महासंकट से जूझ रही है। चाइनीज वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, जिसके चलते दुनिया समेत भारत पूरी तरह से बंद है। जहाँ एक और गरीब के सामने भोजन का संकट है, वहीं प्रशासन के एक अजीब और एक गरीब निर्णय ने समाज को भोचा कर रख दिया है। खबर है प्रशासन मदिरा की दुकान खोलने जा रहा है। इस संकट में जब केवल आवश्यकता की चीज़ें ही मिल रही है, वहीं प्रशासन को मदिरा क्यों एक अति आवश्यकता वस्तु नज़र आ रही है, ये किसी के दिमाग में भी नहीं उतर रहा है। क्या मदिरा ने न केवल गरीब बल्कि पुलिस के सामने एक चैलेंज नहीं बन जाएगा? क्या जो लोग सब्जी की दुकान में ठीक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते, वो क्या शराब के ठेके में दारू लेते समय इस मर्यादा का पालन करेंगे, या फिर दारू बिकवाने में सरकार को पुलिस बल लगाना पड़ेगा? कोरोना की इस मुश्किल घड़ी के अंदर आज शिवराज सरकार ने शराब की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए। वाह शिवराज सरकार, एक कैसे आप नर्मदा पुत्रों, आपको मजदूरों की चिंता करना चाहिए, उनके पेट की चिंता करना चाहिए, और आज आप शराब की दुकानें खोलकर आपके खजाने की चिंता कर रहे हैं। उन मजदूरों को क्या होगा? आज जो बाहर के मजदूरों को, उनको तो आपने चुनिंदा पैसे दे दिए, लेकिन जो यहां पर लाखों मजदूर है मध्य प्रदेश के अंदर, उनके लिए आप कोई योजना नहीं है आपकी।